दोस्तों, अगर आप जियो फ़ोन लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियो फ़ोन की 5 कमियां। कहीं ऐसा नहीं हो कि आप फ़ोन ख़रीद लें उसके बाद आपको पता चले कि इस फ़ोन के अंदर ये फीचर आपको नहीं मिला, तो ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इसमें आपको क्या नहीं मिलेगा। तो आइए बात करते एक एक करके। नंबर एक, इसमें केवल आप 4G सिम यूज कर पाएंगे। अगर आप चाहें इसमें 2G या 3G सिम यूज करें तो ऐसा आप इसमें नहीं कर सकते। नंबर टू, इसमें केवल आप एक सिम चला सकते हैं, यानी इसके अंदर आपको केवल एक सिम स्लॉट दिया गया है। अगर आप चाहें इसके अंदर किसी दूसरे ऑपरेटर का सिम यूज कर लें तो ऐसा भी आप नहीं कर सकते, केवल आप जियो का सिम इसमें चला सकते हैं। नंबर तीन, इसमें आपको वाईफाई हॉटस्पॉट की फीचर नहीं मिल पाएगी। नंबर फोर, व्हाट्सअप एंड हाइक आप इसके अंदर नहीं चला सकते। नंबर फाइव, जैसे आपने सुना होगा ये फ़ोन टीवी से कनेक्ट हो जाएगा और बड़े ही आराम से इसमें लाइव टीवी देख सकते हैं। जी हाँ, आप लाइव टीवी देख सकते हैं, लेकिन आपको 399 रुपये का रिचार्ज करवाना पड़ेगा और आपको एक जियो का डिवाइस भी ख़रीदना पड़ेगा। 1 GB डाटा के बाद आपके इंटरनेट की स्पीड 128 KBPS हो जाएगी, जिसमें आपका लाइव टीवी नहीं चलेगा, यानी ज़्यादा देर तक आप इसमें लाइव टीवी नहीं देख सकते। तो सिंपल सी बात है, जिसके पास स्मार्टफोन है उसके लिए ये फ़ोन नहीं है, क्योंकि स्मार्टफोन हमें बहुत कुछ ऑफ़र करता है जो इस फ़ोन में नहीं है। दोस्तों, क्या इसके बाद भी आप जियो फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर। मिलते हैं एक और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।